हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2-3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साइड में लगे बेल आइकन पर ऑल में प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के साथ हम यहाँ पर स्लीव स्टिच करते हुए नीचे साइड तक आर्म होल के नीचे आ गए हैं। यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम हर एक में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से आप भी बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से थर्ड चैन के अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ से अपना दूसरा कलर का धागा ऐड कर लेंगे, पिंक कलर का। इस तरह से दोनों में से निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद इस धागे को हम टाइट कर देंगे अच्छे से। एक चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, देखिए जहाँ पर हमने ये एक चैन ली है, जॉइंट किया था, उसी को हम इस तरह से उठाएंगे आगे की तरफ और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट को भी ऐसे उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे से। फिर उससे नेक्स्ट को उठाएंगे, इस रो को हम फ्रंट पोस्ट के साथ ही कंप्लीट करेंगे इस तरह से। देखिए, आगे की तरफ से क्रोशिया हुक डाला ऐसे, देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डाला और ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 लूप निकाले, फिर से 2 स्टिच। अब देखिए, नेक्स्ट को फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, इसी तरह से फ्रंट पोस्ट करते हुए आप भी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने ये शुरू किया था, एक चैन बनाई थी, वहीं पर जाकर इसको हम लास्ट में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, 1, 2, 3 चैन करने के बाद हम देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में बनाया 3 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये स्टिच है, ये वाला, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से उठाया और फ्रंट पोस्ट बना दिया। 4 के बाद फ्रंट पोस्ट किया, फिर देखिए नेक्स्ट एक यहीं पर, जो देखिए यहीं पर हमें होल नज़र आ रहा है, वहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये 4th डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इसी को हम ऐसे उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब देखिए, यहाँ पर साइड में हमें ये होल नज़र आ रहा है, यहीं पर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये 4th डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहीं पर इस स्टिच को हम ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे 4 के बाद। और फिर इसी की साइड में जो होल है, वहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया और इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को आप भी बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाकर
हम यहाँ से दूसरे कलर का धागा नीचे से पिक कर लेंगे ग्रीन कलर का और इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन करने के बाद यहाँ पर हम सेकंड के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर बनाया चार डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाया पांच डबल क्रोशिया। हर राउंड में हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ ऐसे ही उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनने के बाद फिर से हम देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये पांच डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारे पांच डबल क्रोशिया बन गए और ये फ्रंट पोस्ट आ गया। तो फ्रंट पोस्ट को हम इस तरह से आगे की तरफ से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट वाले डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से देखिए चार के ऊपर हमारे ये बीच में पांच डबल क्रोशिया आए, नेक्स्ट राउंड में हमारे छह डबल क्रोशिया होंगे, उससे नेक्स्ट में सात डबल क्रोशिया। इसी तरह से आप जितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं घेरे को बनाकर कंप्लीट कर लें और जो ये फ्रंट पोस्ट वाला आएगा उसको हम हर राउंड में फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट करने के बाद इसी के साइड में जो ये होल है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया हो गए, उससे नेक्स्ट में बनाए तीन डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे चार डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट के पास में बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। इसी तरह से आप भी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लें। दो रो मैं और बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, वो मैं पिंक कलर के धागे से बनाऊंगी नेक्स्ट रो। इसी तरह से आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ से मैं दूसरे कलर को पिक कर लूँगी। इस तरह से देखिए यहाँ पर टोटल हमने दो राउंड यहाँ पर पिंक कलर से, फिर एक ग्रीन से और एक पिंक से, तो टोटल यहाँ पर चार राउंड हमने बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का धागा ऐड कर लिया है, एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और तीन चैन हम गैप के लिए लेंगे, एक दो तीन, तो टोटल हमने यहाँ पर सिक्स चैन ली हैं और यहीं पर फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा वी स्टिच बन जाएगा, तीन डबल क्रोशिया की हाइट की और तीन गैप के लिए बीच में हमने चैन बनाई है। अब देखिए नीचे से हम एक दो, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और यहीं पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फिर से वी स्टिच बन जाएगा। इस तरह से वी स्टिच बनाते हुए जाना है, फिर से धागा लेंगे इस तरह से और नीचे से एक दो, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम इसी तरह से वी स्टिच बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीन चैन ली और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने वी स्टिच बना लिया है। अब देखिए बीच में हमारे दो ही स्किप हुए हैं, अगर आपके पास एक दो कम या ज़्यादा हो तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे, एक दो तीन, थर्ड चैन में जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से अब जो हमारे पास ये वी स्टिच है इसके अंदर भी एक बार हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए यहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट वी स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये पांच डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया के बाद इसको थोड़ा सा हम इधर की तरफ खिसका लेंगे
और एक इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने थ्री चैन ली है वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो एक तो हमारा थ्री की चैन का और चार बार हम डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल यहाँ पर भी हमारे ये पांच डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से देखे चार हो गए और फिर से बनाएंगे पांच, इस तरह से थ्री की चैन का एक डबल क्रोशिया और चार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट वी स्टिच आएगा, उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर से हम नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे पांच बार, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फोर्थ डबल क्रोशिया और ये फिफ्थ डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइव डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के बाद तीन चैन लेंगे और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे चार बार और एक हमारा ये थ्री की चैन का, तो टोटल फाइव हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया काउंट होंगे। थ्री हो गए, फोर और एक बार और बनाएंगे फाइव। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर आएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से, फिर से उससे नेक्स्ट वी स्टिच है उसके अंदर हम सबसे पहले फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव डबल क्रोशिया बनाने के बाद थोड़ा सा इधर की साइड कर देंगे और फिर एक यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक दो तीन, तीन चैन के बाद हम चार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, दो तीन चार, तो टोटल हमारे यहाँ पर पांच होंगे एक थ्री की चैन का। इस तरह से, इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर नेक्स्ट में जाकर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब देखिए शुरू में भी हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो हमारा यहाँ पर दो में ये सिंगल क्रोशिया हो गया, तो हम क्या करेंगे इस तरह से नेक्स्ट वाले पर जहाँ पर हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था शुरू में, वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। देखिए इस तरह से हमारे वर्क में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने दो स्किप किए हैं, और ये जो पिंक कलर का धागा है इसको हम कट कर देते हैं यहीं से। देखिए यहाँ तक हमारी ड्रेस बन गई है। अब देखिए बैक की तरफ से हम क्रोशिया हुक लेंगे और क्रोशिया हुक बैक की तरफ से लेने के बाद यहाँ से हम वाइट कलर का धागा लेंगे, आप चाहे तो पिंक से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में हमने दो स्किप किए थे, तो यहाँ सेकंड वाले के अंदर जाएंगे इस तरह से, धागे में सबसे पहले हम नोट लगाएंगे, इस तरह से नोट लगा ली। अब देखिए जो हमारा ये वी स्टिच है जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये फाइव डबल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाया है, तो वहाँ से हम इस तरह से लेंगे और सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागे को लंबा करेंगे, यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक बार धागा लिया, दो बार, तीन बार, चार बार और फिर से लेंगे पांच बार। पांच बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे इस तरह से, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, आप इस तरह से लगा कर देख सकते हैं, पाँच छः और एक सात, सात चैन लेंगे। सात चैन लेने के बाद देखिए एक वी स्टिच जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हम इसी वी स्टिच को ऐसे उठाएंगे और देखिए इस तरह से धागे को लंबा करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर से लेंगे चार बार और एक बार
और लेंगे पांच बार। पांच बार धागा लेने के बाद सभी को हम इस तरह से लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक कर दिया, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन हम फिर से लेंगे और फिर से ये वाला वी स्टिच है, इसी वी स्टिच के अंदर जाकर इस तरह से देखें धागे को एक बार लिया, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार, सभी को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे वी पफ स्टिच बनते जाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और सभी जो मैंने यहाँ पर पफ स्टिच बनाए थे उनको मैंने यहाँ से देखिए नीचे से ऊपर की तरह इस तरह से निकाल दिया है और बनने के बाद देखिए ड्रेस कुछ इस तरह से लग रही है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।